बात कर रहा हूँ। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का पहला T20 खेला जाने वाला है 10 तारीख को, तो उसी डेट पर बात कर लेंगे कौन सी टीम जीत सकती है। कैसा स्क्वाड इंडिया ने भेजा है, कैसा साउथ अफ्रीका कैरी फॉरवर्ड कर रही है, क्योंकि दोनों ही टीम अब आई कर रही है वर्ल्ड कप के लिए। सभी प्लेयर्स को टेस्ट किया जा रहा है और उसी से चुनाव होगा। तो इंडिया बखूबी अभी अच्छा परफॉर्म करके गई है, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 हराई है, और उसमें से बहुत सारे प्लेयर हैं और कुछ ऐड भी किए गए एक्सपीरियंस प्लेयर। तो इंडिया बहुत स्ट्रांग दिख रही है, तो बात करेंगे अब ड्रीम इलेवन टीम कैसे बनाना है, सेशंस कैसे घट सकता है, मैच कैसा होगा, क्योंकि सरफेस चेंज हो रहा है इंडिया में, मैच नहीं है डरबन में मैच खेला जाएगा। तो A to Z बात करेंगे, वीडियो को मत मिस करिएगा। चलिए सबसे पहले मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए, 7428 5257 67। मैच रिलेटेड कुछ भी डाउट हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हु विल विन सेशन जानना है। राठौर प्रेडिक्शन 07 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको भी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हो सब स्मॉल में। उससे बेटर ऑप्शन रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, सेशंस और मैच वहीं पे आता है फ्री में। 9:30 बजे रात में ये मैच खेला जाने वाला है डरबन में। वेदर रिपोर्ट का बात करें तो 20 डिग्री टेम्परेचर है, चांसेस ऑफ रेन है 12%, ह्यूमिडिटी कंसर्न कर सकती है, ड्यू फैक्टर प्रिवेल करता है बोला जाता है। जैसा कि बहुत सारे स्टेटमेंट सुने गए हैं कि साउथ अफ्रीका में चेज नहीं होता है, तो फर्स्ट बैट करना चाहेगी सभी बैट्समैन जो भी खेलना चाहेंगे, ओपन करना चाहेंगे। देखिए टिपिकल साउथ अफ्रीकन पिच एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे फास्ट बॉलर को मदद मिलेगा, फास्ट है, पेस है, बाउंस रहेगा इस पिच पे, तो अच्छा बॉल तो आएगा जरूर, लेकिन अभी ज़्यादातर जो सरफेस हो गया थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्लैट हो चुके हैं। अगर फ्लैट नहीं होगा, जो मदद मिलेगा वो पेसर्स को मिलेगा, और आजकल के बैट्समैन पेस पसंद करते हैं, तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करिए कि एडवांटेज साउथ अफ्रीका को रहने वाली है। 17 मैच हुआ है यहाँ पे, 8 बार फर्स्ट बैट, 8 बार सेकेंड बैट जीती, 1 मैच टाई रहा है। एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर 160 का है, जो कि क्वाइट ऑन हाई नोट मान सकते हैं, 160-170 तक जाता जाता है यहाँ पे स्कोर। और ऑस्ट्रेलिया 226 मारी, हाईएस्ट स्कोर है, केनिया का लोएस्ट है 73 रन। देखिए 150 से नीचे बहुत कम 4 बार लगा है, 150-169 6 बार लगा है, 170-189 2 बार लगा, और वो 195 बार यहाँ पे लगा हुआ है 17 बार में। तो 17 बार में 7 बार ऐसा होना कि हाई स्कोर मैच की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये हाई स्कोरिंग वेन्यू होने वाला है। ठीक है, डायमेंशन भी इसके उतने बड़े नहीं है एज कम्पेयर टू अदर वेन्यूज इन साउथ अफ्रीका, तो हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो हाई स्कोरिंग इनकाउंटर। सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे सेशन को यस करके चलना तो बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ पिच पर उतना मदद मिलने वाला नहीं है। T20 फॉर्मेट है, सभी डोमिनेट करना चाहेंगे, जो बैट्समैन आएगा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और मोमेंटम के साथ फॉरवर्ड होना चाहेगा आगे जल्दी से जल्दी। लास्ट 3 मैच देख सकते हैं, 190 साउथ अफ्रीका मारी यहाँ पे, 191 ऑस्ट्रेलिया मार के जीत गई 5 विकेट से। तीनों मैच यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने, एक भी मैच जीतने नहीं दिया था T20 में। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को 6 विकेट मिला और स्पिनर्स को सिर्फ 1 विकेट, फिर सेकेंड इनिंग में पेसर्स को 3 और स्पिनर्स को 2 विकेट। दूसरा मैच देखिए, 164 मारी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत कर गई 8 विकेट, 8 विकेट पेसर्स को मिला, 0 विकेट स्पिनर्स को, 1 विकेट पेसर्स को सेकेंड इनिंग में और 1 विकेट स्पिनर्स को। यहाँ पे तो देखने को मिल रहा है कि आराम से 160-170 का टारगेट तो मान लीजिए लगता है, तो समझ जाइए वो चेज है। जितना अगर खाने का रेट मिल जाए 70 पैसे 80 पैसे 90 पैसे खा के आइए। बाकी तीसरा मैच देखिए, एक बड़ा स्कोर था, 226 मारी ऑस्ट्रेलिया, उसको चेज नहीं कर पाई साउथ अफ्रीका, 115 ही पे बुक हो गई, हाईएस्ट स्कोर भी है यही, 111 रन से ऑस्ट्रेलिया जीती 5 विकेट पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में, स्पिनर्स को 1 विकेट, 6 विकेट पेसर्स को, 4 विकेट स्पिनर्स को, टोटल 29 विकेट लास्ट 3 मैच में पेसर्स को और 9 ही विकेट है स्पिनर्स को। तो पेसर्स विल डोमिनेट एट दिस वेन्यू, ड्रीम इलेवन वालों ध्यान से सुन लो। और यहाँ पे 170 का टारगेट मैंने बताया, अगर लग जाता है फर्स्ट इनिंग तो चेज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगा, 90% चेज हो जाएगा वो टारगेट, क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, डायमेंशन छोटे हैं। किंग्समैन डरमेड के बाद अब बात करिए हेड टू हेड, 26 मुकाबले हुए T20 में, 13 इंडिया जीती 10 साउथ अफ्रीका, 3 नो रिजल्ट्स लाए। जो 13 इंडिया जीती है उसमें फर्स्ट बैट करते हुए 9 बार और सेकंड बैट करते हुए 4 बार। तो इंडिया को डिफेंड कराना पसंद है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वही फॉर्मेट कंटिन्यू करेगी। साउथ अफ्रीका को वही उल्टा है, 3 मैच फर्स्ट बैट करते हुए और 7 मैच यहाँ पे चेस करते हुए जीती है। साउथ अफ्रीका का टोटल हेड टू हेड इन दोनों के बीच जो साउथ अफ्रीका में T20 खेले गए 7, 5 इंडिया जीती है 2 साउथ अफ्रीका, मतलब उनके होम ग्राउंड पे जाके इंडिया डोमिनेट करके आ रही है साउथ अफ्रीका में।
डरबन में एक मैच ऑलरेडी हुआ है, वो भी इंडिया जीती हुई है, साउथ अफ्रीका को हराई हुई है इस वेन्यू पे ऑलरेडी। तीन मैच, लास्ट तीन मैच का बात करें, मतलब रिसेंट ईयर में जो मैचेस हुए T20 में, दो इंडिया एक साउथ अफ्रीका जीती है। रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे, इंडिया विन विन लॉस विन विन, चार मैच जीत के आ रही है लास्ट पांच में से, यहाँ पे लगातार हारी है और एक मैच जीती है वो भी वेस्ट इंडीज जैसी टीम से, वो भी बहुत पुरानी बात, मतलब इधर खेला भी नहीं है T20। प्लेइंग का बात करें इंडिया का, तो यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, रविंद्र जडेजा, रवि बिश्नोई, अभी रिसेंटली वर्ल्ड नंबर वन बॉलर बने हैं T20 में, तो इनको हो सकता है चांस दिया जा सकता है अहेड ऑफ कुलदीप यादव, या फिर कुलदीप यादव को ला सकते हैं, यशस्वी जायसवाल की जगह भी ऋतुराज गायकवाड़ आ सकते हैं, मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा कम्प्लीटली। हरदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार, सिराज का वापसी हो रहा है और भी कुछ प्लेयर्स की वापसी हो रहे हैं। इन द फॉर्म अप अगर बात करें तो रविंद्र जडेजा जो कि वाइस कैप्टन होने वाले हैं, उनका भी वापसी है, शुभमन गिल का भी वापसी होने वाला है, ठीक है, ये तीन नए प्लेयर को ऐड किया गया स्क्वाड में। लेकिन इनके बाद साउथ अफ्रीका, तो एडन मार्करन को कैप्टन बनाया गया, तेंबो बम्मा से फाइनली गेट रेड ऑफ हो चुका है साउथ अफ्रीका, ऐसे भी इंजर्ड है रिचा हेनरिक्स, हेनरिक क्लासन, डोनोवन फडेरा विकेट कीपर रोल में देखने को मिल सकते हैं, या फिर हेनरिक क्लासन भी है, डेविड मिलर, मार्को जैनसन, क्रिस्टन स्टब्स, जेराल्ड पोएट्जे, लुंगी एंगेडी, केशव महाराज, लिजार्ड विलियम, ये दोनों प्लेयर ज्यादा मैचेस फर्स्ट टू मैचेस के लिए हैं, तो चांस जरूर बनता है, अगर फर्स्ट टू मैचेस के लिए है और नहीं खेलने को दिया गया तो नाइंसाफी होगी। मार्को जैनसन का भी कुछ वैसा ही है। अब प्लेयर बैटल का बात कर लेते हैं, तो यशस्वी जायसवाल 21-37-6-53-21, इनका रोल बेसिकली पूरा डिटरमाइन लग रहा है रोहित शर्मा जैसा कि आओ डोमिनेट करो, विकेट चला जाए तो चला जाए और रन लग जाए तो बेटर है, ठीक है, अगर थोड़ा रुक के खेलेगा तो एक प्लेयर बड़ा खेल सकता है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। बाकी ईशान किशन लास्ट मैच मिस आउट है, 52-58-27-6, फॉर्म में है, बैक टू बैक 50s है और लगातार स्कोर करके भी आ रहा है, पांच मैच का एक्सपीरियंस भी है, 206 रन 76 हाईएस्ट है, 41 के एवरेज है, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका पिक करके चल सकते हैं, कैप्टन में हेड टू हेड में अच्छा ऑप्शन हो सकता है। शुभमन गिल 9-77-6-7-3, देखिए इनका फॉर्म अप्स एंड डाउन लहर रह रहा है, सरफेस अच्छा मिलेगा स्कोर करेगा ही करेगा ये प्लेयर, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कैप्टन के लिए। सूर्य कुमार यादव 5-1-39-19-80, लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस को मीच नहीं किया है जैसा ये प्लेयर है, हर मैच में परफॉर्म करने वाला है, कंसिस्टेंट प्लेयर है, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो आप। चार मैच है, 187 रन है, 68 हाईएस्ट है, 62 का एवरेज है साउथ अफ्रीका, और जिस तरह का ये प्लेयर है उस तरह से यहाँ पे पिच बिहेव भी करेगा, अच्छा कैरी है, बाउंस है, बैट पे बॉल बहुत बढ़िया से आने वाला है। श्रेयस अय्यर 53-8-0-13-1, 8 मैच 116 रन 40 हाईएस्ट है, 19 का ही एवरेज है साउथ अफ्रीका के आगे। DNB बैटिंग नहीं मिला, 35-27-16-7 वाइस कैप्टन है, तो इनको जरूर थोड़ा सा बैटिंग में सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि ये बैटिंग से उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, बॉलिंग तो इनकी लाजवाब है ही, 1 विकेट 0-1-1-0, 5 मैच 26 ही रन है, 19 हाईएस्ट है, 26 का एवरेज है और 2 विकेट है। रिंकू सिंह 6-46, DNB 21-32, चाहे फिनिश करा लो या पारी को संभलवा लो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इनकी जगह पर कन्फर्म होने वाली आगे चलते हुए। देखिए लास्ट पांच मैच है, रवि बिश्नोई का बात करें, 2-1-2-3-1, हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पे नहीं एक्सपीरियंस है, लेकिन हर मैच में विकेट निकाला, हाईएस्ट विकेट टेक कर रहे हैं लास्ट सीरीज में, तो पिक ऑफ द बॉलर्स तो रहने ही वाले हैं, जरूर पिक करके चलिएगा इनको, चाहे कैसा भी सरफेस हो, लाई लेंथ इतना स्ट्रांग है कि विकेट मिलता ही मिलता है। अरदीप सिंह लास्ट मैच के हीरो रह गए, विकेटलेस थे, लेकिन यहाँ पे जबरदस्त बॉलिंग किया, फिर बैटिंग नहीं आया, बॉलिंग नहीं कराया गया, नहीं कराया गया, 0-0 DNB, 3 मैच यहाँ पे खेला है, हेड टू हेड में 7 विकेट है, तो अच्छे बॉलर है फास्ट बॉलिंग में। अगर सिराज खेलेंगे तो जरूर पिक करिएगा, 4-2-0-1-1, 1 मैच है 0 विकेट है। वही मुकेश कुमार 3-0-1-0-0, जरूर पिक करके चल सकते हैं। अगर तीनों का ऑप्शन का बात करें तो मोहम्मद सिराज मुझे बेटर ऑप्शन लग रहा है एक्सपीरियंस के साथ। एडन मार्करन का बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 41-49-7-35-38, 1 मैच हटा दीजिए तो सभी मैच परफॉर्म किया, बॉलिंग भी करके दे रहा है, 1-0 DNB बॉलिंग नहीं हुआ, फिर 1 फिर 0, और बॉलिंग करके ऐसा नहीं कि विकेट ले जा रहा है, 5 मैच है 2 विकेट भी है इनके पास, 4 मैच 110 रन है, हेड टू हेड 52 का हाईएस्ट, 36 का एवरेज, और 3 मैच इस वेन्यू पे 97 रन 49 हाईएस्ट, 32 का एवरेज, 1 विकेट भी है। रिक क्लासन 6-16-1-21-15, देखिए ये जिस दिन चलेंगे बहुत बड़ा चलेंगे और तगड़ा चलेंगे, मैच को घुमा के ले जाएंगे, जैकपॉट प्लेयर बोल सकते हैं, घोड़ा प्लेयर है ये, ठीक है, ये घोड़ा उड़ा के देगा।
अनएक्सपेक्टेड उड़ा के देगा, समझ में नहीं आएगा आपको, फोकस रखिएगा। 7 मैच 210 रन, 81 हाईएस्ट, 35 का एवरेज है इनका अगेंस्ट इंडिया। हेड टू हेड में रिजा हेनरिक्स को फाइनली सुकून मिल चुका है कि इनको बैटिंग मिलेगा। तेम्बा बाबू जगह खा रहे थे इनका। 42, 3, 56, 83, 68, क्या परफॉर्मेंस निकाला। 3 रन हटा दीजिए तो हर मैच में परफॉर्म करने के बाद भी जगह पक्की नहीं थी। अच्छा प्लेयर है ये। 8 मैच 164 रन, 70 हाईएस्ट, 23 का ही एवरेज इंडिया खिलाफ। 4 मैच वेन्यू पे है, 143 रन, 56 हाईएस्ट है, 35 या 36 का एवरेज बोल लीजिए। इनको पिक कर लीजिए, ज़्यादा लोग का नज़र नहीं है इस प्लेयर पे, और ये खेलेगा, जरूर खेलेगा। ये कैप्टन के लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ग्रैंड लीग में ट्राई करके जा सकते हो। ठीक है, डोनोवन फरेरा 48 रन है, 1 मैच खिलाया गया था उसमें ही, और अच्छा भी प्लेयर है, परफॉर्म कर रहा है अभी। जितनी भी लीग इधर उधर खेलता है उसमें परफॉर्म करता है, और मैच को घोड़ा बक की तरह उड़ा देता है, क्योंकि तेज खेलने वाला प्लेयर है, डरता नहीं है। 11, 10, 48, 17, 50, 19 फिनिशिंग रोल का बिल्कुल इनका काम रहता है। 18 मैच 379 रन, 106 हाईएस्ट, 37 43 के एवरेज है, 100 भी इंडिया के खिलाफ। वेन्यू पे परफॉर्म अगर बात करें तो 5 मैच 76 रन, 53 हाईएस्ट, 76 का एवरेज है। बाकी अगर ट्रिस्टन स्टफ्स का बात करें तो 27, 25, 27, 0, 18, 6 यंगस्टर है, उसी से हिसाब का परफॉर्मेंस है। शॉट पे शॉट मार रहे हैं, अगर 2-3 हिट लग जाती है तो उसके बाद पता नहीं इनको कंट्रोल नहीं होता है। सभी यंगस्टर का यही हाल है, थोड़ा रुक के खेले तो बड़ा खेलेंगे। 6 मैच 29 रन ही है, 23 हाईएस्ट, 9 का एवरेज। 3 मैच वेन्यू पे 52 रन, 27 हाईएस्ट, 17 का ही एवरेज है, आगे चल सकते हैं। बॉलिंग भी करता है लेकिन बॉलिंग दिया नहीं जा रहा है। 20 रन DNB, 12, 1, 3, 1 मार्को जॉनसन, 1 मैच है, 12 रन है, 12 हाईएस्ट, 12 का एवरेज, 1 विकेट है, और वेन्यू पे 1 मैच में 20 रन था, 1 विकेट भी निकाला है। इनको वाइस कैप्टन बना के चल सकते हो हेड टू हेड में, दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन देने वाला प्लेयर है। जेराल कोइटली 2-0-1, 3 ही मैच खेला है अभी तक T20 में, लेकिन बॉलर बहुत ज़बरदस्त है, जरूर पिक करिएगा, बैटिंग भी कर लेता है ठीक ठाक। लुंगी अंगेडी 2 मैच के लिए हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो 0-0-0-2-0, 4 मैचेस वेन्यू पे, 3 विकेट है। रिचार्ड विलियन 0-1-3-2-0, और केशव मेहरा 0-2-0-1-0, 9 मैच 8 विकेट वेन्यू पे, 1 मैच में 0 विकेट है। स्पिनर्स को दिख रहा है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, 9 मैच में सिर्फ 8 विकेट, ऐसा भी नहीं है कि 9 मैच में 9 विकेट, हर मैच में 1-1 विकेट भी मिला। रिचार्ड विलियन 3 मैच है वेन्यू पे, 4 विकेट निकाला है। सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मार्को जॉनसन रहने वाले हैं। असली जो ड्रीम 11 टीम हमने बनाई है आपके लिए, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस प्लेयर को पिक कर सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो टोटल फॉर्मेशंस अगर बात करें तो इन्हीं प्लेयर्स में से आपको दिख रहा होगा कि सबसे बेटर परफॉर्मेंस किस किस प्लेयर का है। आप वहाँ पे सूर्य कुमार यादव को ग्रैंड लीग में कैप्टन चूज कर सकते हो, और वाइस कैप्टन के लिए बात करें तो वाइस कैप्टन आप यहाँ पे एडन मार्करम को पिक कर सकते हो, जो बोथ बैटर एंड बॉल से कंट्रीब्यूट करेंगे और फॉर्म भी ज़बरदस्त है उनका। दूसरे ऑप्शंस का बात करें तो रिजा हेंड्रिक्स नो डाउट वाइस कैप्टन, कैप्टन ट्राई कर सकते हो इन ग्रैंड लीग अगेन, एंड वाइस कैप्टन आप यहाँ पे अगर बनाना चाहते हो इंडिया के टीम की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से आप एक बार श्रेयस अय्यर को ट्राई कर सकते हो, जो बड़ा खेल सकते हैं। दूसरा अगर हेड टू हेड में बात करें तो मार्को जॉनसन नो डाउट कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, और वाइस कैप्टन अगर इंडिया की तरफ से बनाना है तो आप यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को अगर खेलते हैं तो एक ट्राई दे सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत जाइएगा, और रिपोर्ट चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पर, 7428525767। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, सेशंस मैच खेलना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, डेमो के लिए वहीं आता है, तो जाइए ज्वाइन जरूर करिए। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।